जहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा कूड़ा जो फेंका गया है, साथ ही प्लाट है, इस बेचारे का क्या कसूर है, ये देखिए इसके प्लाट में भी काफ़ी ज़्यादा गंद है और इस कूड़े की वजह से ये देखिए ये नाली भी बिल्कुल बंद हो जाएगी आगे तक। ये किसके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ये आप सब जो लोग यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं गली मोहल्ले वाले, आप सब के लिए ये बात प्रॉब्लम बनेगी, उससे उसका निज़ाम भी आपका ख़राब होगा। तो हम सब लोगों को इस तरफ देखना होगा, ध्यान देना होगा। और देखिए रोड कितना रोड के ऊपर आया हुआ है, इसकी वजह से ट्रैफिक की रवानगी में भी मुश्किल आती हैं और एक्सीडेंट भी हो सकता है इसकी वजह से आमने सामने से आने वाले स्पीड से हादसे का शिकार हो सकते हैं। हम सबको देखना होगा कि हम इसको किस तरीके से मैनेज करें। कम अज़ कम आप जो कूड़ा फेंकते हैं शाम पर इसके अंदर फेंकते हैं, ये देखिए खुला हुआ कूड़ा है, तमाम कूड़ा खुला कूड़ा है, जिसकी वजह से उठाने करने में भी बहुत सा प्रॉब्लम आता है। और इसका मैं हुकूमत को भी कहूँगा कि हमें यहाँ पर कॉलोनी में डस्टबिन लगवा दिए जाए, जिससे समस्त लोगों को ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब लोगों को जगह नहीं मिलती तो फिर वो कूड़ा इर्द गिर्द की जगहों पर फेंकते हैं और जिसकी वजह से गंदगी और तमाम एरिया में फैल जाती है। तो देखें, मैंने यहाँ पर लोगों की परेशानी देखी कि लोग कूड़ा कोई गली मोहल्ले में फेंक देता है, कोई यहाँ पर रोड के ऊपर जो सब स्टेशन है ज़्यादातर उनके बाहर मैंने देखा हुआ है कि उनके कूड़ा फेंक देते हैं लोग। तो हुकूमत से अपील करता हूँ कि अगर वो यहाँ पर डस्टबिन की कुछ इंतजाम करवा दें तो लोगों का ये मसला हल हो जाए, लोग उस डस्टबिन में फेंकें। सुबह कूड़े की तो तमाम गाड़ियाँ आती हैं उठाने करने के लिए, लेकिन जब एक डस्टबिन से कूड़ा होगा इस तरफ फैला हुआ नहीं होगा तो लोगों के लिए भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग भी अपने आने जाने आमदोरफ्त में आसानी से जा सकेंगे। और जो मोहल्ले और गली में धूप वगैरह होती है इस कूड़े की वजह से फैलती है, मच्छर, गंदगी और बहुत सी और चीज़ें यहाँ पर देखना ही इतना ज़्यादा इंतजाम इस बात से हुआ है। प्लीज़ आप लोग भी अहले मोहल्ला और जितने लोग यहाँ पर कूड़ा आगे पीछे फेंकते हैं तो उनको भी चाहिए कि वो कोशिश करें कि ऑफिस जाते हुए या कहीं पे भी जब आप दिन को जाएं तो वो कूड़ा उठा कर डस्टबिन किसी भी डस्टबिन में फेंकें, या फिर सुबह गाड़ियाँ फेंकने आती हैं तकरीबन सुबह 8 बजे यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो उसके अंदर डायरेक्ट फेंक लिया करें। और अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा जा रहे हैं साथ ले रहे हैं और डस्टबिन वहाँ पर है वहाँ पर फेंक लें। ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सब लोग भी ऐसा ही करेंगे और अपने कूड़े को आगे पीछे फेंकेंगे और इसको साफ हमने ही बनाना है पाकिस्तान को। हम सब लोग मिलकर अगर काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा हम सब के लिए और ये हमारे लिए पाकिस्तान जन्नत बनेगा। अभी देखें बाइक वाले ने भी यहाँ आकर फेंका है, बस एहतियात करनी पड़ेगी हमें और